hello children good morning today i am going to teach you assignment of general english so let's begin question number 1 complete the following sentence using positive adjectives or positive pronouns one number. I don't forget to take my torch before going out at night. I don't forget to take my टॉर्च बिफोर गोइंग आउट एट नाइट हूं रात बाहर जाता पहिला मारो टॉर्च लेवानु भूलतो नथी हूं रात रे बाहर जाता पहिला मारो टॉर्च लेवानु थी। टू नंबर बी कूकेड केरफुली शोअवर फूड वोश टेस्टी बी कूकेड केरफुली शो अवर फूड वोश टेस्टी हमें काजीपूर्वक यानी खाना बनाते हैं इसलिए टेस्टी होता है दी कूकेर केयरफुली शो आवर फूड वॉज टेस्टी हम खाना योग्य रिश से बनाते हैं केयरफुल से बनाते हैं इसलिए हमारा खाना टेस्टी होता है थ्री नंबर मैनी चिल्ड्रन ब्रॉड कैमेरास ऑन द पिकनिक मैनी चिल्ड्रन ब्रॉड देर कैमेरा ऑन द पिकनिक घर बारों को बहुत सारे बच्चे पिकनिक में कैमरा लेके आए हुए थे मैनी चिल्ड्रन ब्रॉड देर कैमेरा सोन द पिकनिक बहुत सारे बच्चे यानि पिकनिक के में कैमरा लेके आए हुए थे फोन नंबर विल यू लैंड मी योर पेन फॉर ए डे विल यू लैंड मी योर पेन फॉर ए डे तू ते एक दिवस माते पेन आप सो यानी क्या आपको वन दिन के लिए एक दिन के लिए पेन देंगे विल यू लैंड मी योर पेन फॉर ए डे क्या आप मुझे एक दिन के लिए पेन दोगे विल यू लेन मी योर पेन फॉर ए डे क्वेश्चन मार्क किया है क्या कि आप मुझे एक दिन के लिए पेन दोगे फाइन नंबर ही हैड लंच इन द गार्डन he had their lunch in the garden वो लोग ने बगीचा में क्या किया अपना लंच किया उन्होंने बगीचे में अपना लंच किया he had their lunch in the garden उन्होंने बगीचे में अपना लंच किया नंबर से गीता एंड हर फ्रेंड सॉन्ग फिल्म सॉन्ग गीता एंड हर फ्रेंड्स सॉन्ग फिल्म सॉन्ग गीता और उसके दोस्तों ने फिल्मी सॉन्ग गाए गीता एंड उसने दोस्तों ने फिल्मी सॉन्ग गाए सेवन नंबर डोंट ट्राई टू टीच मी माइंड योर ओन बिजनेस डोंट ट्राई टू टीच मी यानी मुझे सिखाने का प्रयत्न करना नहीं माइंड योर ओवन बिजनेस तुम्हारो पोता व्यवसाय ध्यान में रखो यानी तुम्हारा पोता अपने जो दूसरों बोल रहे हैं इसमें ये मुझे सिखाने का प्रयत्न मत करना तुम्हारा अपना व्यवसाय ध्यान में रखो डोंट ट्राई टू टीच मी मुझे सिखाने का प्रयत्न मत करो माइंड योर ओवन बिजनेस तुम्हारा अपना बिजनेस ध्यान में रखो एट नंबर डू योर पेरेंट्स हेल्प योर इन योर

क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारे अभ्यास में स्टडी में मदद करते हैं नाइन नंबर आई एम ए स्टूडेंट आई एम ए स्टूडेंट एंड दिस बुक आर माई मैं स्टूडेंट हूँ। और वो बुक है वो मेरी है मैं स्टूडेंट और वो बुक है वो मेरी है टेन नंबर वी लीव इन इंडिया आवर इज ए लार्ज कंट्री लार्ज कंट्री वी लिव इन इंडिया अवर लार्ज कंट्री ए इंडिया मारा है और अपनी अवर इज द लार्ज कंट्री इंडिया इज ए बड़ी कंट्री है इलेवन नंबर सीमा एज ए रईसगर्ल बेंगलोर सीसर्साइज पैसा वाली लड़की है और उसका मकान है वो अच्छा है माई फ्रेंड्स एंड आई एडेड ट्वेंटी फाइव रन माई फ्रेंड और मैंने

इसमें से ही वेर सिक्सटीन उसने सिक्सटीन बनाए और एंड मै वेर नाइन और उसने नाइन बनाए खुद ने नाइन बनाए थर्टीन नंबर इज इजे पुअर बॉय नितिन है दिस हर्ट इज हिम फोर्टीन नंबर दे लिव इन श्रीलंका તેઓ શ્રીલંકામાં રહે છે એટીઝ એ સ્મોલ કન્ટ્રી શ્રીલંકા હૈ વો છોટી કન્ટ્રી હૈ છોટા દેશ હે દે લીવ ઇન શ્રીલંકા તેઓ શ્રીલંકામાં રહે છે કે અંદર રેખતે હે એટીઝ એ સ્મોલ કન્ટ્રી ઔર શ્રીલંકા નો દેશ છે इट इज मै बुक बुक इज मई मरी इज मई बुक इट इज मै बी टू नंबर्स नीचे दिया है इन द बैंक्स वेथ द फ्यूचर नॉन प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स दिया है वन नंबर में द डॉक्टर खाल जी गया टू द पेशेंट सन अटेंड लिखा है, attend, तो वील, वील आएगा, आगे लगाएंगे, है तो आगे बिल लगाएंगे फ्यूचर टेंड है तो आगे विल लगाना पड़ेगा फ्यूचर टेंड नॉन प्रोजेक्ट प्रोग्रेसिव बताया टेंस पिक्चर नॉन टेंस है तो विल लगेगा उसमें पीचर के टेंस बताना है तो डॉक्टर अटेंड लिखा है तो विल लिखेंगे विल अटेंड टू पेशेंट सन द तो डॉक्टर बिल अटेंड टू देशन सन पेशेंट ऑन अटेंड लिखा है पेशेंट्स ऑन डॉक्टर आएंगे फिर बाद में पेशेंट को चेक करेंगे नंबर इंडिया कालजगिया हिम वॉर्मली वेलकम लिखा है इंडिया वेलकम हिम वॉर्मली भारत तेनु हार्दिक स्वागत करशे ए नंबर सी खल्जे गया टू स्पीक इंग्लिश स्लोली शी टू स्पीक इंग्लिश स्लोली तेने विल बिगिन तेने इंग्लिश बोलू धीमे धीमे सुरू करी स्लोली यानी धीरे धीरे

ट ही विल गिव अस ए नाइस पार्टी नेक्स्ट मंडे टे हमने यानि नेक्स्ट मंडे के नाइस यानी नाइस पार्टी देंगे अच्छी पार्टी देंगे नेक्स्ट मंडे को सिक्स नंबर ही खल जिग्ञा मी शम मनी नेक्स्ट मंथ ही वेल well, ने

The doctor will do his best to save the patient. Eight number the school will reopen रिओपन दिखाए so the school will reopen on the 10th of June. School का खुलेगी यानी tenth June को रिओपन होगी यानी खुलेगी the school will reopen on the tenth June. जून की दस तारीख को स्कूल खुलेगी विल रिओपन आई गया द टुमारो आई शॉल विजिट विजिट यानी एग्जीबिशन यानी मेला लगाए कब है टूमोरो है तो उसमें विजिट विल सॉल विल यानी विजिट में जाएंगे आई विजिट द मेडले में जाएंगे टू कल देन आई थिंक इट खाल जगिया टूमोरो आई थिंकिंग आई थिंक इट खाजिया तो रेन आई थिंक इज सॉल रेन टूमोरो आई मैं विचारता हूँ कि कल बारिश होगी

फ्लिट इज अभी चार ऑप्शन दिए है उसमें से वन लिखना है ए में लिखा है ए कलेक्शन ऑफ स्टिक्स ए कलेक्शन ऑफ बुक्स ए कलेक्शन ऑफ सिप्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन उसमें से आएगा ये फिल्ट इज है सी नंबर आएगा ए कलेक्शन ऑफ सिप्स If it is is a, a collection of sheep. Two number The old man is too weak to the old man is too weak to walking. ंग वॉल वॉलिंग वॉल के ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉल्क चाले में वो बुढ़े मानस होते वो वीक होते हैं वॉल्क वीक टू थ्री नंबर इन ओरफन इज ए चाइल्ड इन ऑर्फन इज ए चाइल्ड हु हैज नो रिलेशन हैज नो रिलेशन Who has no hands who has no hands those patient parents are dated Those parents are dated. Who is blind? Who is blind so in orphanage, child. तो उसके पेरेंट्स इसकी डिडेड डेट हो जाती है वो चाइल्ड होता है ऑर्फन हो जाता है इन ऑर्फन इज ए चाइल्ड दो पेरेंट्स आर डिडेड फोर नंबर देर इज कालजिया मिल्क इन द बॉटल देर इज कालजिया मिल्क इन द बॉटल

छोटी मिल्क इन द बॉटल है ये आई नंबर वेन यू वॉन्ट टू टेक द टेम्परेचर ऑफ पर्सन यू शुड यू से वेन यू वेंट टू टेक टेक द टेम्परेचर ऑफ सिक पर्सन यू शुड जूसे तुम जब बीमार होते हो दवाखाने क्लिनिक पे जाते हो तो भी आपको टेम्परेचर मापते हैं तो इसमें लिखा है बैरोमीटर क्लिनिकल थर्म टेम्परेचर ये है क्लिनिक थर्मोमीटर और मैग्नेट स्टैचोस्कोप आएगा क्लिनिक थर्मोमीटर जो अपने को जो बीमार होते हैं तो टेम्परेचर मापते हैं अपने शरीर में कितना बुखार है वो वैन यू वैन टू टेक द टेम्परेचर ऑफ सिक पर्सन िकल थर्मोमीटर अभी आपने वन में देखा है फ्लिट इज द ए कलेक्शन ऑफ सेप्स. टू नंबर में दिया है द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉल्क थ्री नंबर इन ऑर्फन इज एक चाइल्ड दोस्ट Parents are dead. Dead. There is a little milk in the bottle. Five. When you went to take. का टेम्परेचर ऑपेशन यू शुड यू से क्लीनिकल थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर इसमें बैरोमीटर्स दिया है क्लिनिकल थर्मोमीटर दिया है मैग्नेट दिया है और स्टेटोस्कोप दिया है तो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो टेम्परेचर मापने के लिए माई फादर इस वन हंड्रेड सेंटीमीटर इन टॉलनेस हाई length my father is 100 centimeter in tallness width height length my tiger my father is 100 centimeter in height my father is 100 सेंटीमीटर इन हाइट समझ गए ओके अंडरस्टूड